अस्सलाम वालेकुम वीवर, सादियास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट शॉप जैसे गुलाब जामुन घर पर ही। चलिए तो शुरू करते हैं कि घर पर ही बहुत ही आसान छोटे छोटे टिप्स के साथ कैसे बनाएं। देखिए, इधर मैंने 800 ग्राम्स शुगर लिया है, ये 250 ग्राम्स का एक कप है, तो मैंने इसे माप कर 800 ग्राम्स तक शुगर डाला है। अब हम इसमें 2 ग्लास वाटर ऐड करेंगे। इसमें पानी डालकर हम चूल्हे पे रख देंगे इसे पकने के लिए। जब हमारा शुगर सिरप पकने लगे तब हम इसमें, ये हमारा पहला टिप है, 2 से 3 टेबलस्पून दूध डालने से क्या होगा कि हमारे शक्कर में की सारी गंदगी निकल जाएगी। जब हमारे शक्कर में की गंदगी निकले, एक स्पून के मदद से हम सारी गंदगी इस तरह निकाल लेंगे। निकाल लेकर चेक कर लेंगे कि हमारा शुगर सिरप कितना वाइट हो गया है, कितना साफ हो गया है। जब हमारा शुगर सिरप अच्छे से साफ हो जाए तब हम इसमें 4 इलायची और 1 टेबलस्पून फूड कलर ऐड करेंगे। एक छोटा नींबू का टुकड़ा ऐड करेंगे ताकि हमारा शुगर सिरप जमे ना। जब हमारा ये अच्छे से शुगर सिरप सारे चीज़ें पक जाएंगे, इसे हम साइड में रख लेंगे। देखिए, इधर हमने MTR के पाव पाव किलो के पैकेट्स लिए हैं, ऐसे हम 4 पैकेट्स डाल रहे हैं हम इधर। ये मेरा दूसरा टिप है, हमने आटा गून कर ज़्यादा देर नहीं रखा है, इसीलिए हमारे गुलाब जामुन में तड़क नहीं आई है। आप भी ऐसे ही करिए। 1 kg गुलाब जामुन का आटा हो गया। देखिए, हम यहाँ 1 गिलास दूध ले रहे हैं, इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसे अच्छे से गून लेंगे। ये बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा डालते हुए ये लाइट अपन आटे के वैसा गून लेंगे। देखिए, हमने सारा गुलाब जामुन का आटा गून लिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रख कर हाथों की मदद से, हाथों में ज़रा घी या तेल लगाकर अच्छे से इसे प्रेस करते हुए इसे राउंड शेप दे देंगे। ये मेरा तीसरा टिप है, कढ़ाई। हमने कढ़ाई में तेल गरम के लिए रख लिया है, वो एकदम लो फ्लेम पर है। गैस हमेशा लो फ्लेम पर ही होना चाहिए। इसे लो फ्लेम पर थोड़े थोड़े हम बाउल्स बनाकर डालेंगे। आप छोटा या बड़ा साइज कर सकते हैं, यहाँ मैं मीडियम साइज का बना रही हूँ। और इसे आप एकदम लो फ्लेम पे अगर पकाएंगे तो ये अंदर कच्चा नहीं रहेगा। अगर आप गैस का फ्लेम ज़्यादा रखेंगे तो वो कच्चा रहेगा, अंदर खाते वक्त कच्चे कच्चे रहेंगे। देखिए, हम इस तरीके का भी एक शेप मैं दे रही हूँ। आप चाहे तो पूरे गोल गोल ही बना सकते हैं। देखिए, हमने अच्छे से तल लिया और शुगर सिरप में डाल लिया है। अब ये जब ये ठंडा हो जाए, ये सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें वेनीला आइसक्रीम या बटरस्कॉच आइसक्रीम भी डालकर खा सकते हैं, ये और मज़ेदार दिखेगा। हमारे गुलाब जामुन इतने जूसी जूसी लाजवाब बने हैं कि हम इसे मुंह में डालेंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएंगे। ये बहुत ही जूसी जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो चुके हैं। इंशाल्लाह फिर एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।